झांसी के नवाबाद थाने पहुंचकर एक पिता ने शिकायत की है कि उसकी बेटी के पीछे एक मुस्लिम युवक काफी समय से पड़ा है। पीड़ित ने हिंदू संगठन के नेता के साथ जाकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल छात्रा को एक मुस्लिम युवक परेशान करता है। ये जानकारी छात्रा के पिता ने देते हुए बताया कि गड़िया फाटक क्षेत्र का एक युवक उसकी पुत्री को काफी समय से परेशान कर रहा है। युवक कभी फोन करके गलत बातें करता है तो कभी कॉलेज जाते समय बेटी से गलत बातें करता है। विरोध करने पर दबंग युवक धमकियां देता है और कभी कभी मारपीट पर भी आमादा हो जाता है। पीड़ित पिता का आरोप है कि पहले भी इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कठोर कार्रवाई न होने के कारण आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। मामला संज्ञान में आने पर राष्ट्रीय भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया महिला थाने पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष से मामला संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी नगर को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रेमनगर थाने में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। क्या मामला है और क्या घटना है? ये झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत की घटना है। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बिटिया है, जिसको फरदीन नाम का व्यक्ति लगातार परेशान कर रहा था। पिछले लंबे समय से कर रहा था, एक साल से ज़्यादा समय हो गया है, और इनके द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई थी थाने में, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है, परंतु एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उससे उसके हौसले जो है कहीं ना कहीं बढ़ गए और अब वो इनके घर तक पहुँचने लगा है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और बिटिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस संबंध में मैंने सीओ सिटी झांसी से बात की है, महिला थानाध्यक्ष से भी बात की है और प्रेमनगर एसओ से भी बात की है। सीओ सिटी ने बताया है कि मुकदमा कायम किया जा रहा है, उन्होंने भी प्रेमनगर एसओ को बोला है, प्रेमनगर थाने जा रहे हैं, मुकदमा कायम किया जाएगा और लफ्ज़ हाथ का ये मामला है, जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है, और ये निश्चित रूप से संगीन मामला है। एसएसपी महोदय बहुत गंभीर हैं झांसी के, यह मामला दर्ज किया जाएगा और इस प्रकार के जो भी मामले हम लोगों के संज्ञान में आते हैं, नगरा से कुछ ज़्यादा ही मामले इस प्रकार के प्रकाश में आ रहे हैं। और पिछले साल मैंने महिला थाने में अपनी बच्ची को, एक लड़का है जो परेशान कर रहा है जिसका नाम फरदीन है, रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने इनके घर वालों को भी समझाया, कई बार जाकर वो लड़का जो है बार बार मेरी बच्ची को छेड़ता है, फ़ोन करता है और धमकी देता है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे पर भी उसने जो है मारने का प्रयास किया। बार बार बताने पर भी उनके घर वाले उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना कि उसे समझा रहे हैं। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में एक लड़की के पिता ने तहरीर दी है कि उसकी लड़की के साथ एक लड़के द्वारा छेड़खानी की गई है, छेड़खानी की जा रही है, परेशान किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी है इसमें जेल में। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।